हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये रेसिपी, जिसका नाम है मूंग के रोलर पापड़, जो कि बारिश के इस मौसम में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रोलर पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बॉइल्ड आलू, जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज। अब हम इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे और इन दोनों प्याज को बारीक कट कर लेंगे। देखिए, मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है और इन आलूओं को भी अच्छे से मैश कर लिया है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आलू की स्टफिंग बनाने की तरफ। मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब उसके अंदर डालूंगी मैं ये जीरा। अब इस जीरे को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। अब इस प्याज को भी हल्का सा ब्राउन होने देंगे, सॉफ्ट होने देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, हमारे प्याज जो है हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये मैश किए हुए आलू। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना है, क्योंकि मूंग के पापड़ ऑलरेडी तीखे होते हैं, स्पाइसी होते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से हिला लेंगे। 5 मिनट में हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। मैंने इस कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये गर्म होगा तब तक हम हमारे पापड़ रेडी कर लेते हैं। रोलर पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं मीडियम साइज़ के मूंग के पापड़। अब हमें थोड़ी सी स्टफिंग लेनी है आलू की, और इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए, सेंटर में नहीं थोड़ा सा साइड में, इस तरह से हमारी स्टफिंग को सेट करना है। और इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे रोल करना है। इसे बहुत ही केयरफुली बनाना होगा, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा। और इस तरह से हम हल्का सा पानी लगाते हुए इसे चिपकाएंगे। हमें दोनों साइड्स में भी पानी लगा के इसको चिपकाना है, वरना हमारा आलू का मसाला जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हमें हमारे सारे पापड़ को रेडी करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें पापड़ जो है बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। फ्रेश का मतलब, हमें पापड़ की पैकिंग को तभी खोलना है जब आपको ये रेसिपी बनानी हो, अदरवाइज़ हमारे पापड़ जो है वो अच्छे से रोल नहीं होंगे और ये बीच बीच में से टूट जाएंगे। देखिए, हम दूसरे पापड़ को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से रोल करते हुए जाना है। लास्ट में इसमें हल्का सा पानी लगा के इसे चिपकाना है। दोनों पॉइंट्स पर भी हमें इस तरह से पानी लगा के इसको चिपकाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारा पापड़ बनकर रेडी होगा। देखिए, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हमें ऑयल को तेज़ गर्म करना है। पापड़ डालते वक्त आप गैस का फ्लेम लो कर दें और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक एक करके पापड़ डालें, अदरवाइज़ इसके अंदर से मसाला जो है वो बाहर निकल जाएगा। और बहुत ही हल्के हाथों से इसे अलट पलट करना है।
3 से 4 मिनट में हमारे पापड़ बनकर रेडी हो जाएंगे। देखिए हमारे पापड़ बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे पापड़ जो है कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची बने हैं। अब मैंने बाकी पापड़ को भी ऑयल के अंदर डाल दिया है। इन्हें भी अब हमें बहुत ही हल्के हाथ से अलट पलट करना है। देखिए हमारे कुरकुरे क्रंची रोलर पापड़ बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट के अंदर आप चाहे तो सूती कपड़ा या फिर कोई साफ कागज़ बिछा सकती हैं ताकि हमारा ऑयल जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए हमारे पापड़ खाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं। आप मेरी इस छोटी सी मूंग रोलर पापड़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।